उपस्थित सभी को प्रणाम करता हूं और मंदिरा जी आपको भी प्रणाम। हालांकि आप तो प्रणाम करने की चीज तो बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि प्रणाम तो सिद्धू पाजी से ही करना चाहिए। मतलब मैं ऐसी कोई बात करूंगा नहीं यहाँ के, मतलब जिससे दिमाग पे लोड पड़े, ऐसी बात आदमी को करनी भी नहीं चाहिए। वो एक दिन मेरा पड़ोसी मुझसे बोला, यार मैं जब भी ऑफिस जाता हूँ तो अपनी बीवी को किस करता हूँ। मैंने कहा ये काम तो मैं भी करता हूँ। वो बोला तेरी तो शादी नहीं हुई। मैंने कहा चोटे तेरी बीवी के कर लेता हूँ। अच्छा अभी मैं जब मुंबई आया तो लाफ्टर वालों ने मुझसे पूछा तुम कौन सी होटल में रुकना चाहते हो, चैंपियन हो गए तुम। मैंने कहा ऐसा करो ताजिया ओबेराई में से एक में रुकवा दो। वो बोला यार वहां तो अटैक हो गया। मैंने कहा अभी इस बॉडी पे क्या अटैक होगा, जो होगा वो तो आठ अटैक ही होगा। मतलब क्या है, आदमी मेरी तारीफ करता है ना तो उसके पीछे कोई ना कोई बात रहती है। खुदा का नूर कहते हैं वो अपनी बीड़ी की लो को, जो अपने पीठ के कुबड़ को कोहे नूर कहते हैं, और हमारे मुंह पे जो कहते हैं हमको चांद का टुकड़ा, वो जालिम पीठ फिरते ही मुझे लंगूर कहते हैं। पिछले दिनों क्या हुआ, तीन आदमी थे, तीनों जंगल में घूमने गए। अब जंगल में घूमने गए तो उनको कबीले वालों ने पकड़ लिया। कबीले का सरदार बोला बताओ, पेले से बोला बता तेरे साथ क्या किया जाए, तुझे मार दिया जाए या तेरे साथ जिंगा लाला करके छोड़ दिया जाए। बोला यार तू ये बता, तेरे स्तोर को मार दिया जाए या तेरे साथ जिंगा लाला करके छोड़ दिया जाए। वो बोला आप तो ऐसा करो मेरे साथ जिंगा लाला करके छोड़ दो। तो सरदार बोला इसे झाड़ी के पीछे ले जाओ और इसके 10 गरम गरम चिमटे चेटा दो। दूसरे से पूछा बता तेरे साथ क्या किया जाए, तुझे मार दिया जाए तेरे साथ भी जिंगा लाला करके छोड़ दिया जाए। वो बोला यार मेरे साथ भी जिंगा लाला करके छोड़ दो। सरदार बोला ये नकल करता है, इसको झाड़ी के पीछे ले जाओ और इसके 10 गरम गरम चिमटे छेटाओ। अब तीसरे का नंबर आया, तीसरे से पूछा रहे बता तेरे साथ क्या किया जाए, तुझे मार दिया जाए या तेरे साथ जिंगा लाला करके छोड़ दिया जाए। तो तीसरा बोला यार गरम गरम चिमटे खाने से तो अच्छा है एक बार में ही मर जाओ। तो बोला साहब आप तो ऐसा करो मुझे एक बार में ही मार दो। तो सरदार बोला इसको झाड़ी के पीछे ले जाओ और इसके साथ तब तक जिंगा लाला करो जब तक ये मर नहीं जाता। और पाजी आज मैं क्या है एक छंद सुना रहा हूँ आपको। सिद्धू पाजी आज ऐसा लग रहा है मुझको तो, सिद्धू पाजी आज ऐसा लगता है मुझको तो, मेरी भावनाओं से तो आप हंस जाएंगे। मंदिरा की मंदिर से मंद मंद मुस्कान देख के तो आज आप यूं ही फंस जाएंगे। ओ सामने है पेरी जाद बगल में मंदिरा जी, इनके बवर में तो आप फंस जाएंगे। आप ना फंसे तो फिर कोई बात नहीं है जी, इस दल दल में तो हम धस जाएंगे। ओ मेरी गाड़ी पर बैठ बोली प्यारी बाला, एक सलमान खान जैसी ड्राइविंग है आपकी। गुंडों ने छेड़ा उसे तो मैंने उनको पीट दिया, बोली सन्नी देवल जैसी फाइटिंग है आपकी। कैंटीन में मुझे कुछ खाते हुए देखकर बोली यार सुमो जैसी ड्राइविंग है आपकी। और कॉलेज में आते ही मैंने लव लेटर दिया तो बोली भैया सेम पापा जैसी राइटिंग है आपकी। भैया सेम पापा। ओ पाजी एक सर्कस में क्या एक 70 रोटी खाने वाला आदमी था। अब उसने पहला शो किया 70 रोटी खा गया, खा गया। दूसरा शो किया तो भी 70 रोटी खा गया, खा गया। अब तीसरे में वो वहां से चंपत भाग गया, भाग गया। डायरेक्टर उसको ढूंढने गया, कहाँ है 70 रोटी खाने वाला, तो घर गया तो वो रोटी खा रहा था। डायरेक्टर ने उससे पूछी ओए शो चालू होने वाला है तू यहाँ रोटियां खा रहा है। वो बोला सारे दिन ही काम कराओगे क्या, मैं खाना कब खाऊंगा छोड़ो। अच्छा बॉलीवुड में तीन खान है, शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान। तीनों का बुलंद सितारा, दो शादीशुदा है और एक है कुमारा। सलमान खान ने पहले ऐश्वर्या को पटाया, फिर
फिर कैटरीना कैफ को अब पता नहीं जाने किसकी जिंदगी संवारेगा। सलमान खान ने पहले शर्ट उतारा फिर पेंट उतारा, अब पता नहीं जाने क्या उतारेगा। आदमी के चेहरे पर प्लास्टिक का लेमिनेशन हो गया और नंगा रहना इस दौर में एक फैशन हो गया। अच्छा, इस दृश्य को देख के तो मजा ही आ जाता है। जैसे करीना कपूर का प्रेमी है सैफ, वैसे सलमान खान की है कैटरीना कैफ। इस दृश्य को देख के मजा आ जाता है। कैटरीना कैफ नामक देवी की पूजा सलमान खान करता है और सारा प्रसाद अक्षय कुमार खा जाता है। आजकल क्या है, किसी से कोई कंट्रोल ही नहीं हुआ। मैंने करीना कपूर से पूछा, क्या शाहिद का दिल तोड़ के तुम्हारा मन नहीं रोता? करीना कपूर बोली, क्या करे, कंट्रोल ही नहीं होता। मैंने हिंदुस्तान की प्रख्यात अभिनेत्री मल्लिका शेरावत से पूछा, बदन के कपड़े उतारती क्यों हो, गरीबों के बच्चों को मारती क्यों हो, क्या तुम्हारा बदन वस्त्रों को नहीं ढोता? मल्लिका शेरावत बोली, क्या करे, कंट्रोल ही नहीं होता। पिछले दिनों मैंने लालू यादव जी से पूछा, मैंने कहा, क्रिकेट की टीम बनाते क्यों हो, रेलगाड़ी में सवारियां चढ़ाते क्यों हो, क्या इस उम्र में भी आपका डीजल खत्म नहीं होता? लालू जी बोले, क्या करे, कंट्रोल ही नहीं होता। मैंने इमरान हाशमी से पूछा, बिना मौसम के तुम झूमते क्यों हो, हीरोइनों के होठों को चूमते क्यों हो, क्या तुम्हारे होठों में संक्रमण नहीं होता? इमरान हाशमी बोला, क्या करे, कंट्रोल ही नहीं होता। मैंने सिद्धू पाजी से पूछा, क्या पूछा, इन लड़कियों के चक्कर में फंसते क्यों हो, हाय हाय, इतना जोर जोर से हंसते क्यों हो, क्या आपका बैलेंस डगमगा कर नहीं खोता? सिद्धू जी बोले, क्या करे, कंट्रोल ही नहीं होता। सही है, सही है। एक लड़के ने मुझसे पूछ लिया, लोगों को इतना हंसाते क्यों हो, बार बार ताली बजाते क्यों हो, क्या तुम्हारे हाथों में दर्द नहीं होता? मैं बोले, रे क्या करे, कंट्रोल ही नहीं होता। गुरु छा गया, छा गया। थैंक यू वेरी मच।